हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कैंडिड V6 100 मिलीग्राम टैबलेट के बारे में। तो हम सीखेंगे ये टैबलेट के बेसिक यूज़ के बारे में, कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशन में कैंडिड V6 टैबलेट यूज़ किए जाते हैं, साथ ही जानेंगे उसके डोज के बारे में, उसके वर्किंग के बारे में, साइड इफेक्ट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस की डिटेल स्टडी करेंगे, वो भी सरल भाषा में आज के लेक्चर के अंदर। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मर ऑक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मर ऑक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ। एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर, साथों साथ डिसीजन मेडिसिन रिलेटेड कोर्स फार्मर ऑक्स के ऐप पर। सीखे दवाइयों के बेसिक यूज के बारे में, डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, एक साल तक अफोर्डेबल प्राइस में, वो भी सरल भाषा में फार्मर ऑक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। तो अभी डाउनलोड कर रही है एप्लीकेशन फार्मर ऑक्स की, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल आईफोन ऐप है ऐप स्टोर पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, या फिर 9016312020 नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब समझते हैं कैंडिड V6 100 मिलीग्राम टैबलेट के बारे में। तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको एंटीफंगल ड्रग्स हम कहते हैं, और उसके अंदर जो सॉल्ट कंटेंट हम देखें तो वो है क्लोट्राइमाजोल, कि जिसकी स्ट्रेंथ है 100 मिलीग्राम, और ये ड्रग जो है वो वजाइनल रूट से यूज़ की जाती है। तो कैंडिड V6 के ये जो टैबलेट है, तो ये वजाइनल टैबलेट है कि वो स्पेशली वजाइनल कैविटी के अंदर ड्रग रिलीज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और 6 नाइट के लिए आपको ये टैबलेट यूज़ करनी होती है। तो 6 नाइट 6 टैबलेट का इसका कोर्स रहता है, और ड्रग जो है वो रिलीज होती है आपकी वजाइनल कैविटी के अंदर। और ये टैबलेट के मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड उसके मैन्युफैक्चर है। तो ग्लेनमार्क के बारे में मैं आपको बताऊँ तो कैंडिड V6 के जो मैन्युफैक्चर है वो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल है। तो ये एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर्स जो है वो मुंबई में है, और ये कंपनी की शुरुआत हुई थी 1977 के अंदर। तो क्लोट्राइमाजोल ड्रग के बारे में हम समझे तो क्लोट्राइमाजोल जो है वो एंटीफंगल ड्रग है, एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स के कैटेगरी में ये आती है। और ये स्पेशली जो यीस्ट से होने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं, फंगल के कारण होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करते हैं। तो जो एजोल क्लास का ये जो मेडिकेशन है कि जो पीछे एजोल लगता है, तो ये स्पेशली टॉपिकली इफेक्टिव रहता है। तो टॉपिकली मतलब कि जो स्किन के लेयर्स होते हैं, और उसमें भी जो वजाइना के जो लेयर्स होते हैं, तो वहाँ पर वो अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देकर वजाइनल इन्फेक्शंस को खासकर ठीक करता है। कि ये एक इमिडाजोल क्लास का मेडिकेशन है, और स्पेशली ये स्टैंड जो कैंडिडा अल्बिकेंस जो है फंगाई, उसके कारण होने वाले इन्फेक्शंस या फिर जो स्किन इन्फेक्शंस को ये मेडिकेशन ठीक करती है। तो उसके ये जो एक्सटेंडेड रिलीज जो टैबलेट बनाए गए, कि मतलब कि लंबे समय तक आपको उसकी इफेक्ट मिलती है वजाइनल कैविटी के अंदर। तो यहाँ पर लिखा है कि क्लोट्राइमाजोल वजाइनल म्यूको अधेसिव एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, मतलब कि ये टैबलेट आपको जो है वो लंबे समय तक उसकी एक्शन देती है। थोड़ी थोड़ी ड्रग जो है वो उस टैबलेट में से रिलीज होती जाती है, और आपको जो है वो लंबे समय तक उसकी प्रॉपर मेडिकेटेड इफेक्ट देती है। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल उसके मैन्युफैक्चर है, और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल ड्रग कही जाती है कि जो प्रॉपर फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करते। तो उसके बेसिक यूज हम समझे तो स्पेशली जो वजाइनाइटिस की जो कंडीशन प्रोड्यूस होती है, एक टाइप का वजाइनल इन्फेक्शन, तो उसके लिए कि देखो कि ये वाला जो ऊपर वाला डायग्राम आप देख रहे हैं, कि वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वजाइना का जो रीजन है वो नॉर्मल है, पर जब वहाँ पे इन्फेक्शंस वगैरह होता है तो एक ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस होती है कि जिसके कारण आपको खुजली वगैरह होती है, डिस्चार्ज आता है, पेनफुल कंडीशन प्रोड्यूस होती है वजाइना के अंदर। तो उसको ये टैबलेट जो है वो ठीक करती है, और जनरली 6 दिन का जो ये कोर्स रहता है ये टैबलेट का। तो जो वाइट डिस्चार्ज के कंडीशन प्रोड्यूस होती है, किस तरह से कई बार काफ़ी वाइट डिस्चार्ज आता है, कई बार येलो कलर का भी होता है, और वो काफ़ी थीन रहता है, कई बार वाइट होता है, ग्रीन होता है, या फिर येलो कलर का होता है, और उसका जो स्मेल आप देखो तो फीसिस स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, जैसे कि कोई मरी हुई मछली होती है और उसका जो स्मेल आता है, उसकी जो दुर्गंध आती है, ऐसा डिस्चार्ज जो है वो वजाइना में से बाहर आता है। तो इसके इलाज में ये टैबलेट जो वो यूज़ किया जाता है, कि जिसको मेडिकल टर्म्स के अंदर ल्यूकोरिया की कंडीशन कही जाती है, कि जो नॉर्मल जो डिस्चार्ज होता है, जो वाटरी डिस्चार्ज, जो पानी जैसा थोड़ा होता है,
कि जो प्रॉपर आपकी वजाइना को लुब्रिकेट करता है, बट कई बार ये डिस्चार्ज एबनॉर्मल हो जाता है, उसका कलर चेंज होता है और उसमें से काफ़ी गंदी स्मेल आती है। तो ऐसे कंडीशन को ये कैंडिड V6 के टैबलेट ठीक करते हैं। फिर इचीनेस या फिर सॉरनेस, कि कई बार आपको सॉरनेस जैसा फील होता है कि वहाँ पे छाले जैसे हो गए हैं, खुजली हो रही है वजाइना के एरिया में, या फिर वजाइना का जो एरिया है वो रेड हो चुका है, लाल जैसा लाल हुआ है वो एरिया, आपको ऐसा लगता है, तो ये टैबलेट काफ़ी यूज़फुल साबित होते हैं। फिर इन्फ्लेमेशन, मतलब कि जो सूजन हम कहते हैं कि ये जो वजाइना की जो इनर लाइनिंग है वहाँ पे आपको समझो कि सूजन हो गई है, तो उसको भी ये टैबलेट जो है वो ठीक करती है। फिर ये सब कंडीशन जब प्रोड्यूस होते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि पेन होता है आपको काफ़ी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, फिजिकल रिलेशनशिप्स के दौरान, तो वो भी ये मेडिकेशन जो है वो ठीक करती है। और ऐसे पेनफुल कंडीशन कई बार प्रोड्यूस होती है कि जो इन्फेक्शन के कारण, कि जब आप यूरिन वगैरह पास करने जाओ तो भी आपको यूरिन में जो करते वक्त दर्द होता है, कि जिसको पेनफुल यूरिनेशन हम कहते हैं। तो कई बार पेनफुल यूरिनेशन की कंडीशन वजाइनल इन्फेक्शन के द्वारा भी होती है। तो जब वजाइनल एरिया में रेडनेस हो या फिर वहाँ पे इन्फेक्शन हो, सूजन वगैरह हो, तो यूरिन के दौरान भी आपको जलन होती है, दर्द होता है, तो ये सभी कंडीशन को ये कैंडिड V6 के टैबलेट ठीक करते हैं। तो यहाँ पे आप उसकी समरी देखते हो कि अगर आपको वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन हुआ है, वजाइनल इन्फेक्शन है, वजाइना के अंदर रेडनेस है, इचिंग मतलब कि खुजली हो रही है, इस तरह से जो है वो डिस्चार्ज आ रहा है, कि यहाँ पे आप जो ये डायग्राम में देख रहे हैं इस तरह से आपको डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर ल्यूकोरिया की जो कंडीशन हम कहते हैं वजाइना के आसपास स्वेलिंग दिख रही है, या फिर इंटरनल स्वेलिंग है वजाइनल रूट के अंदर, तो ये सभी कंडीशंस को कैंडिड V6 के 100 मिलीग्राम के टैबलेट ठीक करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हम बात करें तो कैट के करीब बी की ड्रग है, तो ये जो मेडिकेशन जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान अगर समझो कि वजाइनल इन्फेक्शन होता है तो ये टैबलेट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह के अनुसार। आगे हम बात करें तो उसकी मेकेनिज्म, तो कैंडिड V6 काम कैसे करेगा, तो फंगल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको जो है वो डैमेज करता है ये मेडिकेशन, कि इस तरह से प्रॉपर ये प्रोसेस होती है कि जब सेल मेम्ब्रेन कैसे बनता है, तो सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए चाहिए अर्गोस्टेरॉल, अर्गोस्टेरॉल आगे बनता है लिनोस्टेरॉल से, लिनोस्टेरॉल आगे स्क्विलिन से तैयार होता है। तो हमारी जो ड्रग है क्लोट्राइमाजोल क्या करती है, यहाँ पे देखो कि क्लोट्राइमाजोल जो एजोल क्लास का एंटीफंगल ड्रग है, तो वो लिनोस्टेरॉल में से जो अर्गोस्टेरॉल जो बनने के लिए लिनोस्टेरॉल 14 अल्फा डीमिथाइलेज जो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है उसको जो है वो इनहिबिट कर देती है, कि जिससे आगे जाके क्या होगा, आपका ये लिनोस्टेरॉल जो है वो अर्गोस्टेरॉल तैयार नहीं होगा, और अर्गोस्टेरॉल नहीं होगा तो फंगल की सेल मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा, और अगर इसकी ये सेल मेम्ब्रेन डेवलप ना हुई अच्छे से तो वो फंगल सेल आगे जाके क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से ये टैबलेट लेने के बाद वजाइनल जो इन्फेक्शन है कि जो फंगस के कारण हुआ है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, और आप जो है वो कम्प्लीटली रिलीफ पा लेते हैं ये टैबलेट को 6 दिन यूज़ करने के बाद। उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि अगर कोई ओवरडोज उसका कर देता है, 6 दिन तक उसको यूज़ करनी है खासकर, क्योंकि पैकिंग में भी आप देखो तो 6 ही टैबलेट दी हुई है, तो अगर आप लंबे समय तक यूज़ करते तो क्या आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते। तो एक आपको ये टैबलेट की इफ़ेक्ट के कारण आपको नौजिया वॉमिटिंग जैसा फील हो सकता है, उल्टी हो सकती है, जी मचल सकता है, जी घबरा सकता है, कुछ लोगों को डायरिया भी हो सकता है कि जिसको दस्त कहते हैं हम। फिर स्किन रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स कई बार डेवलप होते हैं उसके कारण, रैसेस, हाइव्स या फिर ब्लिस्टर जैसा आपकी स्किन के ऊपर डेवलप होना, बर्निंग या फिर इचिंग हो सकती है उसके साइड इफ़ेक्ट के कारण, और पीलिंग जैसा रेडनेस या फिर सूजन ऐसे हो सकते हैं कि अगर आप उसको ओवरडोज में यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप खास ऊपर देख लें कि लिखा है कि ओवरडोज, कि अगर ओवरडोज होता है तो ये साइड इफ़ेक्ट होती है। फिर हर दिन एक ही टैबलेट यूज़ करनी होती है, कि क्लोट्राइमाजोल का जो हम डोज की बात करें तो 100 मिलीग्राम जितना डोज रहता है वंस अ डे, तो आप वो टैबलेट को 001 मतलब कि डेली नाइट में आप वजाइना में जो है वो इंसर्ट करते हैं। तो दिन में एक ही बार इंसर्ट करना होता है, वो भी राइट में नाइट के अंदर, तो अगर आप उसको 2 बार यूज़ करते हैं दिन में, 3 बार यूज़ करते हैं या फिर लंबे समय तक उसको यूज़ करते, तो ये सभी साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप हो
हो सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की हम बात करें तो कौन सी कंडीशन में यूज ना करें, शुड नॉट सेल्फ ट्रीट, कि खुद से ये मेडिकेशंस ना लें, कब मतलब नहीं लेनी है। तो पहली कंडीशन ऐसी कि अगर आपको एब्डोमिनल पेन है, कि वजाइनल इन्फेक्शन तो है ही पर साथ में एब्डोमिनल पेन है कि काफ़ी दर्द हो रहा है आपकी एब्डोमिनल कैविटी में, तो ये मेडिकेशन यूज़ ना करें। सेकंड, आपको फीवर है, बुखार है, 100 डिग्री या फिर उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर वाला आपको बुखार है, या फिर वजाइनल डिस्चार्ज की जो स्मेलिंग है वो काफ़ी फाउल स्मेलिंग जितना डिस्चार्ज है, तो ये तीनों कंडीशन है कि फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज भी है, फीवर भी है एंड एब्डोमिनल पेन है। तो ये तीन कंडीशन जब एक साथ होती है तो ऐसी कंडीशन में यूज़ ना करें, या फिर एब्डोमिनल पेन है तो भी आप उसको यूज़ ना करें, बिकॉज कई बार ये जो है वो पीआईडी के सिम्टम्स कई बार बनते हैं, तो पीआईडी में जो है वो क्लोट्राइमाजोल जो है वो इतना इफ़ेक्टिव साबित नहीं होता, उस वक्त एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशंस आपको लेनी पड़ती है, ओके, एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल लेनी पड़ती है। तो ये खास ध्यान रखें कि कैंडिड V6 सिर्फ और सिर्फ यीस्ट्स के कारण होने वाले या फिर फंगस के कारण होने वाले इन्फेक्शन ही ट्रीट करता है। तो अगर वजाइनल इन्फेक्शन होने का रीज़न यीस्ट इन्फेक्शन या फिर फंगस नहीं है तो ये मेडिकेशंस काम नहीं करेगी, तो प्रॉपर एक बार डायग्नोसिस करवाना ज़रूरी है और उसी के बाद जो है आप ये मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही सीखे दवाइयों के और डिटेल के में बारे में, सरल भाषा में एक साल तक अफोर्डेबल प्राइस में सीखे दवाइयों के बेसिक यूज़ डोज साइड इफेक्ट वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन एक साल तक 9016312020 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन फार्मारॉक्स की जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर, एप्पल आईफोन ऐप ऐप स्टोर पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर 9016312020 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।